हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का फर्स्ट चैप्टर आपका वास्तविक संख्या का कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। उसके बाद आपका 1.3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए उदाहरण को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका उदाहरण दिया हुआ है। पहला उदाहरण आपका है कि सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत ही इजी है। आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप दूसरे भाषा में समझेंगे तो आपका 1.5 पेज से ऊपर आपका ये सवाल बनेगा। तो आपको जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा क्या था कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम हल निकालते हैं, आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए हल इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा था उसी को उल्टा मानना है। जो अपरिमेय संख्या है तो वहां पे आपको परिमेय संख्या मानना है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दिया रहा है तो आपको क्या करना है, अपोजिट मानना है, परिमेय संख्या आपको मानना है। तो यहाँ पे लिखना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे उदाहरण का है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या या दर्शाइए। देखिए सिद्ध कीजिए और दर्शाइए दिया रहा है या दिखाइए दिया रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, आपको सेम उसी तरह बनाना है। सिद्ध कीजिए कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको बनाना है कि माना कि, ठीक है, आंसर आपको हल क्या करना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप देखिए √2 जो है किसके किसके बीच में आता है, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ये जो है आपका देखिए एक के बीच में आता है, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। ये जो आता है √2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद बड़ा जो होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर करते हैं, एक का स्क्वायर करते हैं, एक आता है 2 का स्क्वायर करते हैं, 4 आता है 2, √2 का स्क्वायर करते हैं तो √2 ही आता है। तो इसका जो है ऐसा 1 और 2 के बीच आएगा। तो अब इसको लिखना है, देखिएगा यहाँ पे लिखना है √2 का मान, √2 का मान 1 और 2 के बीच बीच होगा जो एक भिन्न संख्या होगी या होगा, लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखना है कि लिखना माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और एक देखिए एक का स्क्वायर बड़ा है √2 का स्क्वायर, उससे भी बड़ा है 2 का होल स्क्वायर, आपको इस तरह से लिख देना है। और लिखना है √2 का मान, यहाँ पे लिखना है √2 का मान 1 और 2 के बीच होगा जो एक भिन्न संख्या होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना जो भिन्न संख्या होगी, तो इस तरह हम लिख सकते हैं √2 बराबर a/b या p/q, x/y, इस तरह से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। a/b जो है आपका अच्छा लगता है तो इसलिए हम a/b लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसके अलावा कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी आपका अल्फाबेट लिख सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट में से कोई भी अल्फाबेट, आपका 2 अल्फाबेट आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे आपको देना है कि जहां, ठीक है, जहां ए बी से सर्वभाज्य, आपको लिखना है जहां ए बी से सर्वभाज्य नहीं है, आपको इस तरह से लिखना है, ए बी से सर्वभाज्य नहीं है, तथा लिखना है बी बराबर नॉट 0 या 1 है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, यहां पे लिखना है कि जहां ए बी से सर्वभाज्य नहीं है, उसके बाद लिखना तथा बी बराबर नॉट 0 या 1, यानी कि बी जो है 0 के बराबर नहीं है ना ही 1 के बराबर है, ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि दोनों तरफ, समझिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, आपको पूरी आसान तरीके से आपको बताएंगे। यदि आप इसको दूसरा तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका जो है 1.5 पेज लग जाता है, इसलिए आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो √2 का स्क्वायर करते तो मेरा 2 ही आता है, और इसको हम करते हैं तो a²/b² लिख सकते हैं, ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद 2 बराबर हो लिखेंगे तो a²b×b, अब इस नीचे वाले को खंड कर देना है, 2 बार कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार कर सकते हैं। अब क्या करना, 1b को इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा a²/b। अब आपको आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर आपने b को 1b को ऊपर क्यों किए, 2 के साथ क्यों किए,
क्योंकि नीचे जो है एक छिपा हुआ है, तो ये कोना कोनी जब गुना करेंगे तो ये एक भी जो है इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे, अब यहाँ पे दो जो है ये मेरा क्या है, ये आपका पूर्णांक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये जो मेरा क्या है, ये आपका पूर्णांक संख्या है, दो भी जो है पूर्णांक संख्या है, और ये जो है आपका भिन्न संख्या है, ठीक है। देखिए कभी पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या आपस में बराबर हो सकती है? नहीं। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका असंभव हो जाएगा और संभव, ठीक है, असंभव होगा। इसलिए लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि चूंकि रूट दो एक परिमेय संख्या है जो हो मानना गलत था। देखिए आपको भाषा क्या लिखना है, इस चूंकि रूट दो एक परिमेय संख्या है जो मानना गलत था, लिखना अब लिखना अतः रूट दो एक परिमेय, सॉरी अपरिमेय संख्या है, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है, या हिंदी में आपको सत्यापन लिख देना है। देखिए आपको पूरे आसान तरीके से आपको बताएं, आपको फिर से जो है आपको एक बार देख लीजिएगा, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो फटाफट से हम कमेंट करिए कीजिए, आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और इसको जो है आप काफी बार इसको रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला उदाहरण कहता है कि दर्शाइए कि, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसे पहले मिटा लेते हैं। चलिए अगला उदाहरण की ओर चलते हैं, आप किताब को देखते रहिए और स्क्रीन पर देखिए कि आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि दर्शाइए कि, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देखिए कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पे कहता है कि दर्शाइए कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है, देखिएगा उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। उदाहरण देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, कहता है दिखाइए कि या दर्शाइए कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए उसी तरह से आपको करना है, लिखना है आपका उदाहरण जो है, आपका एक्सरसाइज मान के चलते ये उदाहरण आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है उसी तरह से आपको करना है कि माना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है जो आपका भिन्न संख्या होगा, ये तो आप जानते ही है परिमेय संख्या है, ठीक। आपको इस तरह से करना है कि माना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो कि आपका भिन्न संख्या होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5-√3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी। आपको यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ जहां ए बी से सर्वभाज्य नहीं है, ठीक है, तथा लिखना है बी बराबर नॉट जीरो या एक, आपको इस तरह से लिख देना है जी, बी बराबर नॉट जीरो या एक है, इस तरह से आपको लिख देना है। आपको क्या करना है, अब जो है ये 5 तो इस प्रकार इस पार हम कर सकते हैं, चलिए हम इसको इस पार करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा वो आपका प्लस हो जाएगा, इसको हम इधर करते हैं तो ये क्या होता है माइनस हो जाता है, अब इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 5-, अब इसको समझिएगा, इसको हम इधर करेंगे ए बी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा √3, अभी बराबर इसको क्या किया इस पार किया तो बराबर हो गया, और इसको हम क्या किया इस पार किया तो माइनस आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको करेंगे तो 5b-a बट्टा क्या हो जाएगा b बराबर √3। अब ये समझिए ये संख्या जो है एक परिमेय संख्या और ये क्या अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिख देना है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी सिद्ध किए थे √2, √3, √5 इस तरह से कोई भी रहे तो आपको वहां पर समझ लेना है कि वो क्या है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी आपस में हो सकता है, बराबर हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे लिखना है कि असंभव है, ठीक, आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, यहाँ पे लिखना है अतः 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको बाद इसके बाद प्रूव्ड लिख देना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, आपको इसी तरह से आपको जो है एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण आपका दिया हुआ है, आपका किताब का अगला उदाहरण आपका 11 नंबर है, कहता है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको उसी तरह से करना है,
ठीक है, तो आपको उसी तरह से करना है। आपका उदाहरण दिया है कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, आपको उसी तरह से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कि आपका भिन्न संख्या परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में व्यक्त होता है, इस तरह से यहां पर लिख देना है 3√2 = a/b। अब उसको जो है आगे वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे करना है। अब इसको करते हैं 2 = a/ क्या हो जाएगा 3b, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे गुना है, इस नीचे आके भाग हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी हम ज्ञात किए थे उदाहरण में, पहले भी उदाहरण में आपको ज्ञात करके दिखाए थे कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, और ये जो बट्टा वाला संख्या होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है, जो कि आपका असंभव है और संभव है, यानी कि इसको विरोधाभास भी कह सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि ये विरोधाभास है, तो लिखेंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपको प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। अगला उदाहरण की ओर चलते हैं, अगला उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कहता है कि दर्शाइए कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 2√ में दिया और प्लस में क्या है, बीच में वो क्या है, योग का चिन्ह दे दिया है, यानी कि प्लस दे दिया है, आपको उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से आपको बनाना है। वहां पे आपको करना है कि माना कि, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, माना कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है, आपको इस तरह से करना है। माना कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, यानी कि बटा के रूप में हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2 + √3 = क्या होता है a/b होता है। अब क्या करना है यहाँ पे दोनों तरफ, क्योंकि इसको तोड़ना है इसलिए लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिएगा समझिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए इस तरह से योग वाला रहे या माइनस वाला रहे तो आपको क्या करना, इसी तरह से करना है, दोनों तरफ पहले वर्ग करना उसके बाद आपको तोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए a² + b² का यहाँ पे सूत्र आ जाएगा, यहाँ पे √2 ठीक है प्लस √3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया, और a² / b² या इसको a + a/b का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम तोड़ेंगे a² + b का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, तो इसको इस तरह से करना है, तो यहाँ पे लिखना है a², ठीक है, आप बराबर देते जाइएगा या का चिन्ह दीजिएगा √2 का होल स्क्वायर + √3 का होल स्क्वायर गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 × √2 × √3 बराबर हो जाएगा a² / b², आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो आ गया, यहाँ पे समझिएगा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि माना दर्शाइए कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और आपको मानना क्या है, परिमेय संख्या, जो कि आप बनाते बनाते यहाँ तक आए, यहाँ पे √2 इसको हम तोड़ते हैं तो मेरा क्या आता है 2 + इसका निकालेंगे 3 आएगा, प्लस हो जाएगा, इसको हम गुना करते हैं, देखिए रूट वाला जो रूट अंदर है, रूट के रूट के अंदर के साथ गुना कर दीजिएगा, कितना 3 × 2 कितना आता है 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√6 बराबर हो जाएगा a² / b², ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, इसको हम योग करते हैं तो मेरा कितना है 5 + 2√6 बराबर, अब देखिए a/b जो है, अब इसको इसी तरह से लिख दीजिएगा a² / b², अब क्या करना है, इसको इस पार कर दीजिएगा 2√6 / a² / b² - 5, अब इसको हम निकालेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 / बराबर हो जाएगा a² - 5b² / 5b² / b², अब इधर आगे बनाते हैं, अब इसको हम इधर कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा समझिएगा इसको, तो यहाँ पे करेंगे रूट जो है आपका √6 आ जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे a² - 5b² / b², ये जो है 2 इस पर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये √6 जो है अपरिमेय संख्या है, और ये जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ पे लिखना है अपरिमेय संख्या
संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखना है असंभव है, असंभव है, तो यहाँ पे लिखना है अतः। देखिए जब असंभव होगा, यदि संभव होगा तब वो मेरा समझ लीजिए वो जो प्रूव्ड नहीं हुआ वो गलत आंसर हो चुका है, यहाँ पे असंभव हो गया समझ लीजिए, ये जो है मेरा आंसर सही है। अतः यहाँ पे लिखना है रूट टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, जिसको आपको प्रूव यहाँ पे लिख देना है। उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बोर्ड की तैयारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और बोर्ड से जितने भी अपडेट आती है आपको बताते रहेंगे चैनल के द्वारा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।